हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम साइंस सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फूड। ये पेपर टू का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, फूड यानी भोजन। फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है, वो हम समझते हैं। फूड क्या होता है बच्चों? फूड है, फूड इज अ स्टफ वी ईट एंड ड्रिंक फॉर एनर्जी एंड टू स्टे अलाइव। फूड क्या है? जो हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं वो क्या है? फूड। खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम जिंदा रह सके, जीवित रह सके, इसलिए हम खाना खाते हैं। तो फूड किस लिए जरूरी है? टू स्टे अलाइव, अच्छे से जीने के लिए क्या जरूरी है? फूड जरूरी है। अब आपके एक क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फूड, ये फूड का एक पार्ट है। जैसे आप समझो क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, ये बॉडी में के अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेक्शन होता है, ये सब प्रोसेस क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जितना भी बायोलॉजिकल फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फूड। ये क्या है? एक फूड का पार्ट है जो कि हेल्प करता है हमारे इजेशन में, इंजेक्शन में, एसिमिलेशन में, एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में, इन सब चीजों में हेल्प करता है। Now move on to next topic, why nutrition is important. अच्छा, हम food पढ़े, nutrition पढ़े, लेकिन अब हमें समझना है कि nutrition क्यों जरूरी है हमारे body के लिए। देखिए, proper growth and health, हमारा हम healthy रहे, हमारा proper growth हो, उसके लिए हमें क्या जरूरी है? Nutrition जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे आप समझो कि हम घर बना रहे हैं, घर बना रहे हैं तो घर के लिए तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, किस तरह का आप मटेरियल उसमें यूज कर रहे हैं। उसी तरह न्यूट्रिशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइप का हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या वो हेल्दी है कि नहीं, कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्या वो हमारे बॉडी के लिए सही रहेगा, क्या वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के हम न्यूट्रिशन लेते हैं। और इन सब चीज़ों में क्या हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड हेल्थ, हेल्दी फंक्शन। हेल्दी फंक्शन के लिए, प्रॉपर ग्रोथ हो हमारे बॉडी का, इसके लिए क्या जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स जरूरी है और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन जरूरी है। तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे बॉडी में? खाना तो हम खाते हैं, लेकिन क्या एक नॉर्मल खाना खाने से आप हेल्दी रह सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेना पड़ता है। और बैलेंस डाइट कैसे लेंगे? जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन लेंगे, जितना जरूरत है उतना ही लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, एक फिक्स प्रोपोर्शन में लेना होता है। फैट लेंगे, फैट क्या है? फैट बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है, इससे क्या होता है? हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ता है, हम फैटी दिखने लगते हैं। तो फैट जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, मिनरल्स जरूरी है, विटामिन्स जरूरी है, ये सारे चीजें क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स इज आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ फूड। नाउ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंस है, अभी हमने पढ़ा, जो कि प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ बॉडी के लिए जरूरी होता है। न्यूट्रिशन अगर अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, खाना खाएंगे, तो हम हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो हम अपने जो पूरे डे बाय डे के जो वर्क है उसको हम लोग इजिली कर पाएंगे। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो
जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जो दूसरे पर डिपेंडेंट है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट पता है ना, किसी से खाना मांग कर खाता है? नहीं खाता है ना, वो खाना अपना खुद बनाता है। कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच हेल्प टू मेक प्लांट देयर ओन फूड। नाउ और एक और एग्जांपल हम ऑटोट्रॉफिक में पढ़ेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। दी ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। नाउ अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे। ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हाउ मेनी? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक को भी फिर थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा हैलोजोइक। ये दीज आर हेटरोट्रॉपिक टाइप मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? फंगी एंड ईस्ट, ये सब क्या करते हैं? सेप्रोफाइटिक वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? जो डेड और डिके रहता है एनिमल के पार्ट्स को और प्लांट के पार्ट को वो खाते हैं। इसमें आता है फंगी एंड ईस्ट, इसके एग्जाम्पल होंगे फंगी एंड ईस्ट। पैरासिटिक क्या होता है? जो कि होस्ट, होस्ट यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनसे, और बदले में उनको कुछ भी नहीं देते, वो उनसे बस लेते हैं और होस्ट सेल पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसमें क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कैस्पेटा एंड प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेलोजोइक, जो कि हम लोग हैं। ह्यूमन बींग क्या है? मैन, डॉग, अमीबा, ये क्या है? हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों इसे हेलोजोइक बोलते हैं? क्योंकि ये सारा प्रोसेस करते हैं, इजेशन करते हैं, अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, इजेक्शन होता है, सारे प्रोसेस को ये करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? हेलोजोइक। खाना खाते हैं वो किस तरह से बॉडी के अंदर जा रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, एक्सक्रेशन का फंक्शन करते हैं, और ये सारा किस तरह बाहर आता है, इन सब वो सारे प्रोसेस को करके वो एनर्जी गेन करते हैं, उस एनर्जी से वो अपना सारा काम करते हैं, इसलिए हम हेलोजोइक में क्या आएंगे? हम लोग आएंगे, डॉग आएगा, अनिबा आएगा। तो नाउ मुझे आई होप, मेरे को लगा कि आप, मुझे लग रहा है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा कि फूड क्या है, फूड और न्यूट्रिशन में डिफरेंस बिटवीन क्या है, क्यों फूड और न्यूट्रिशन अलग रहता है, क्योंकि फूड जो हम लेते हैं वो क्या है? जीने के लिए वो फूड है। न्यूट्रिशन क्या है? ये पार्ट ऑफ फूड है, फूड का एक हिस्सा है। न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। नाउ न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑटोट्रॉपिक जैसे ग्रीन प्लांट, हेटरोट्रॉपिक में हम सब आएंगे, लेकिन इसको भी थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासिटिक और तीसरा हेलोजोइक। चलिए आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।